नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएन हरियाणा और डीएन हरियाणा टीम आपको ये विजुअल्स दिखा रही जा रही है। ये विजुअल्स हैं जींद जिले के आखिरी गांव पोली के। यहां पर पंजाब से कुछ किसान आए हैं, कुछ महिलाएं किसान भी पहुंची हैं। चाय ली जा रही है इनके द्वारा, रास्ते में रुक कर लंगर लिया जा रहा है। जी नमस्कार जी, कहाँ से आए हो आप? पंजाब से। पंजाब से कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हो। दिल्ली जा रहे हो, तो क्या नाराजगी है आपको दिल्ली जा रहे हैं आप? काले कानून जेड़े तन्ने मोदी लेके साडे हक्का ले आए हैं, अब देख काले कानून वापस करावांगे। वापस कराने के लिए जा रहे हैं कांग्रेस में सामने। हां ये देखिए, जो पंजाब से महिलाएं आई थी, ये देखिए एक बार कैमरामैन से कहूंगा, एक बार ये इतने वाहन खड़े हैं, एक ये एक और ताई और इससे जाने ताई। राम राम। राम राम। बोलो। ये हाथ का चोट लग रही है, फिर भी की जाओ आप? फिर आपका हक लेके आवांगे। तो फिर आपने राम करना चाहिए था, आपका हाथ का चोट लगी हुई है फिर भी आप मतलब दिल्ली की तरफ करे बैठे की खावांगे, आपका हक लेके आवांगे। लेने के लिए चल रहे हैं आप? तेनू हाँ हक लेके ले आवांगे, चोट का कोई नहीं है। ये देखिए भाई, कितना गाड़ियों का काफिला है जो दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहा है। यहाँ से कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाइए। ये देखिए भाई, किसानों के झंडे लगे वाहन और यहाँ सारे लंगर चक रहे हैं जितने भी किसान आए हैं पंजाब से जो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करे। ये देखिए, और एक और किसान है जो हमारे को यहाँ मिले। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। डीएन हरियाणा पर आपका स्वागत है जी। आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ जी दिल्ली जा रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि जो बिल थे हम उनमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्या कमी रह जाती है? ऐसी पत्ता साफ करा के जाना बिल्कुल, सानू पता ना नहीं सरकार चल रहा। असी पहला भी 15 दिन ला के गए, 2 दिन की छुट्टी आ गए, हाँ साढ़े मावं ने लेके आए, 9 मावं ने साढ़िया भैन जी, 10-12 साढ़े वीर ने उत्थे पहला भी है। असं बिल्कुल उदो ट्रैक्टर के मूँह असं उदो करा पंजाब वाल, जब इन्होंने रद्द करते बिल्कुल रद्द करा के। जी नमस्कार जी, आप कहाँ से आए? कौरिया पिंड संगरूर जिला जी। हाँ जी हाँ जी। तो आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ दिल्ली। कौन से बॉर्डर पर जाएंगे दिल्ली के? असं जेड़ा बॉर्डर है चौक पे जाएंगे। देखिए भाई, दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। कुछ और किसान मौजूद हैं हमारे साथ, एक और बुजुर्ग 80 वर्षीय। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। क्या नाराजगी है आपकी सरकार के प्रति कि आप दिल्ली जा रहे हैं? ना क्या है इन बिलों के अंदर? सारा कुछ है, जमीन खो रहे हैं, जमीन खो रहे हैं, मतलब जमीन खो रहे। देखिए क्या बोला जी, हिंदुस्तान दी आम बड़े बड़े बंदे नु दे रहे है सारी जमीन को, बड़े 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 को दिया जा रहा है। कुछ और जवान, एक जवान किसान है भाई साहब, नौजवान। ये देखिए भाई, इनसे पूछेंगे। नमस्कार जी अंकल जी, आपका क्या कहना है इन बिलों पर? कहना है अपने हक लेके जाना है, अपने हक लेके जाना है। जिन्हें दिन देगा नहीं उन्हें जरूरी रहेगा, इधर ही रहेंगे, कोई परवाह नहीं। ये देखिए भाई, हर किसी को जिससे पूछे वही ये कहता है की हम अपने हकों की लड़ाई के लिए आए हैं, हक लेकर जाएंगे। और यहाँ से ये देखिए जी, नमस्कार जी ताऊ जी। नमस्कार जी, कैसे हो? ठीक है, चढ़ दे कला है। कितने जाना है? ककराली। ककराली जाना है। हाँ, तो आप यहाँ से आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? आप तो यहाँ से आए हैं, गांव जा रहे हैं, वापसी में जा रहे हैं? वापसी जा रहे हैं। ये देखिए भाई, कितने दिन लगा के आप दिल्ली में? दिल्ली में हफ्ता लगा के आए हैं। एक हफ्ता लगा के आए हैं। हाँ। ये देखिए भाई, ये किसान थे तो दिल्ली एक एक हफ्ता रुक के आए और वापसी फिर आएंगे। जी नमस्कार जी भाई जी। नमस्कार जी, आप कौन से गांव से आए हैं? हम ककराला गांव से। अब वापसी जा रहे हैं? वापसी, फिर वापसी का रूट फिर है, दोबारा फिर आएंगे? फिर आएंगे, 4-5 दिन बाद फिर आएंगे। चार, अपने घर परिवार को देख रेख करके दोबारा फिर वापसी होगी आपकी। किसान बिलों को लेकर आपकी क्या नाराजगी है सरकार से? हमारी नाराजगी ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सरकार बोल रही है कि ये किसानों के हित में है जी, हम तो बोल रहे हैं कि हमें आपका हित नहीं चाहिए, आप जैसे चल रहा है वैसे हमारा, हाँ ठीक है। ये देखिए भाई, हम नहीं चाहते कि कोई आकर कल को हमारी जमीन एक्वायर करे, ठीक है ना? ये देखिए भाई, किसान ये कह रहे हैं कि हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहने दिया जाए। ये देखिए बहुत सारे किसान है, ये एक और किसान है, यहाँ इनसे जानेंगे। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, केड़ा पिंड है तुम्हारा? कुदनी पंजाब जी। आप कितने जा रहे हो? जिला संगरूर तो जी। हाँ जी, असी उत्थी जा रहे हैं आप, दिल्ली। दिल्ली जा रहे हो? हाँ जी। कौन से, टिकरी बॉर्डर जाएंगे? हाँ जी हाँ, टिकरी बॉर्डर ते अपने बंदे बैठे ने उत्थे पहला जी। जी हाँ जी, असी आज जा रहे हैं जी। आप कितने दिन का आपका ये? असी जा रहे हैं जी, जदों तक चलूगा काम उदों तक बैठे रहेंगे उत्थे। सरकार के प्रति नाराजगी? हाँ जी हाँ, नाराजगी है, ताई इतनी है, देखो पब्लिक ताई जा रही है, जो नाराजगी है कुछ जो नाराजगी है। हाँ जी, ये देखिए भाई, हम आपको दिखाएंगे, बहुत सारे किसान हैं, इनसे भी जानेंगे। जी जी सुनाओ जी। राम राम जी। जी राम राम। हाँ जी, गाँव जी।
अथवाड़ा पिंड है जी अपना जला जींद। तो किसानों की सेवा में आए हैं? किसान जी किसान सेवा में भी आए हैं जी। अर्जी ना लड़े भी सरकार के साथ। सरकार के साथ लड़े? हाँ बिल्कुल। अथवाड़ा गांव के भी किसान थे भाई। और ये देखिए भाई यहाँ लंगर चख रहे हैं बहुत सारे किसान जो पंजाब से आए हैं। तो इनसे भी जाने भाई अब कैसा लग रहा है। जी नमस्कार जी ताऊ जी। ठीक है जी। कैसा लग रहा है हरियाणा में लंगर चक्की? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। ये देखिए भाई सेवा कर रहे हैं हरियाणा के किसान इन लोगों की। तो एक और किसान है जी। नमस्कार जी अंकल जी। हरियाणा पहुंचे लंगर चखा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा लगा। हाँ। हरियाणा के किसानों से खुश है आप? अरे बहुत खुश। बहुत भाई है हमारे। जी जी देखिए भाई कह रहे की हमारे भाई है। और ये देखिए भाई किसान यहाँ पर पहुंचे हैं जो अब दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते में लंगर ले रहे हैं। ये देखिए भाई किसान यहाँ पहुंचे हैं। जी नमस्कार वीर जी। नमस्कार जी। कितना जा रहे हो? लुधियाना से आ रहे हैं। लुधियाना से आए हो आप? दिल्ली जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं। ये देखिए भाई किसान दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत सारे किसान यहाँ देखिए। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहाँ पहुँचे हरियाणा में लंगर चखा कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी। तो हरियाणा वाले भाई आपकी सेवा कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया। खुश हो आप? बहुत खुश हैं जी। बहुत खुश है। पंजाब के किसान अत्यधिक खुश यहाँ पहुँच कर हरियाणा पहुँचे। देखिए इन सभी किसानों को यहाँ लंगर चखाया जा रहा है। जी नमस्कार वीर। बहुत बढ़िया लगा। कैसा लगा आपको? बहुत ही। हमारे पोली गांव में आए हैं आप। अच्छा, लंगर चखा तो आपको हमारी सेवा कैसी लगी? बहुत बढ़िया जी। क्या कहना इस पर आपका? ये तो बहुत चंगा काम करे है। बहुत चंगा। हाँ हाँ। जेडे बंदे सारे बंदे पूरी चलती है। ये देखिए भाई लाइन में बैठे पूरे भाई हमारे पंजाब से जो किसान भाई आए हैं इनके लिए पानी की व्यवस्था खाने की व्यवस्था पोली वाले गांव वालों ने की है। और सुन दे। ये देखिए पैसे पूछे था दान वास्ते है तो दस किन्ने देगी? यहाँ जी कोई दान पात्र नहीं जाता सिर्फ गांव वालों की तरफ से। ये नहीं दे सी देगी कोई मैं लगूं ये सेवा पूरे गांव की तरफ से किया जा रहा है। किसी से कोई चंदा नहीं लिया? नहीं नहीं कहीं चंदे नहीं होता सी खुद अपने बड़े भाइयों के लिए। ये देखिए भाई यहाँ किसानों के लिए इंतजाम किया गया है। बहुत सारे किसान आए। ये देखिए भाई ये देखिए यहाँ पर किसान इनसे पूछेंगे। नमस्कार वीर जी। श्रीराम जी। कहाँ से आए आप? गूगल जला पढ़ता भाई को। आप कहाँ जा रहे हैं? ते दिल्ली जी। क्या लगा आपको जो ये बिल है सरकार पेश कर रही है किसानों के हित में? नहीं वापस करेगी? नहीं वापस करा के लौटोगे? हाँ जी हाँ जी। ये देखिए बिलों के प्रति काफी नाराजगी। ये देखिए पंजाब से आए किसान एक और किसान मारे भाई पूछ रहे हो। नमस्कार जी सत श्री अकाल जी। कहाँ जा रहे हो आप? अभी दिल्ली से आ रहे हैं जी। दिल्ली से आ रहे हो? हाँ जी हाँ। दस आप दिल्ली से वापिस लौट आए? दस आदमी हमारे चले गए ते दस आदमी हम आ रहे हैं दिल्ली। मतलब हाजिरी पूरी रखनी है? बिल्कुल पूरी है जी। उ गाड़ी में गए थे वो आदमी छोड़कर दूसरे आदमी ले आए बाकी राशन पानी उसके पास पूरा का पैसे में फोटो पहली गेल देखे ऐसा प्रधानमंत्री जो जनता की बात नहीं मान रहा है। वैसे में जनता की बात माननी चाहिए। ये देखिए भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जनता की बात मान रही। और एक और ताऊ और रिश्तेदारेंगे ताऊ राम राम। हाँ जी राम राम। दिल्ली दिल्ली जा रहे हैं जी। दिल्ली क्या बात क्या हो गया? प्रधानमंत्री ने मारी चल दिल्ली जीत के होनी है प्रधानमंत्री ने। हाँ हाँ ये प्रधानमंत्री ने मनाने खातिर दिल्ली जा रहे हैं भाई ये लोग। ये देखिए भाई पंजाब से कुछ और किसान आए हैं जो यहाँ पर खड़े हैं जो बस के द्वारा दिल्ली पहुँचेंगे। इन किसानों से भी जानेंगे भाई ये क्या सोचते हैं जो कानून सरकार द्वारा बनाए हैं तीन बिल। भाई साहब जो तीन बिल सरकार के द्वारा पेश किए गए हैं इन पर आपका क्या विचार है? ये तीन बिल पंजाब के लिए बहुत घातक है। इनके हमारे नुकसान ही नुकसान है। और हरियाणा वाले भाई हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। जब तक हमारा कोई हल नहीं होगा हम यहाँ ही रहेंगे। पौने छह महीने लग जाए पौने एक साल लग जाए हम यहाँ ही रहेंगे। कुछ किसान भाई बैठे हैं ताऊ जी हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। और की गल है? ठीक बात बढ़िया। हम तो चले हैं दिल्ली में। दिल्ली जा रहे हो? हाँ जी। किसान आंदोलन में बीच में जा रहे हैं। हम जो तीन काले कानून बनाए हैं मोदी ने उसको रद्द करा के ही वापस आएंगे। जो हरियाणा का किसान है उसका बहुत धन्यवाद करते हैं जो इतना हमारा साथ देते हैं। क्योंकि पंजाब में भी किसान आ रहे हैं हरियाणा के साथ टू ज्वाइंट बन गए और क्षेत्रों में भी यहाँ किसान आ रहे हैं। दिल्ली में सभी का धन्यवाद है जी। पंजाब से बहुत सारी गाड़ियाँ
ये किसानों का काफिला, ये देखिए कुछ और किसान बस के अंदर आए हैं भाई, ये देखिए भाई किसानों का काफिला, ये देखिए भाई बहुत सारे, ये देखिए भाई किसान, देखिए बस के अंदर हाथ हिलाकर स्वागत करते भाई किसान एकता।